नमस्कार, एमकेएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्रीनाथ की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उसके बाद सीएम ने मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि निर्माण कार्यों को गुणवत्ता व समय के साथ पूरा किया जाए। इस दौरान सीएम ने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, अराइवल प्लाजा, झीलों का सौंदर्यीकरण, अस्पताल का विस्तारीकरण, लूप रोड व बाईपास निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से कहा कि ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ धाम में भी तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए ढांचागत विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग से बद्रीनाथ धाम में विकास कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम को भी विकसित किया जाएगा, जिसमें पहले चरण का कार्य चल रहा है। यात्रा देखिए, पिछले सालों की तुलना में काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा अच्छी चल रही है और सभी यात्रियों से भी मैंने बात की है। सभी लोग संतुष्ट हैं यात्रा से और हम व्यवस्थाएँ उसकी व्यवस्थाओं कर रहे हैं। आज तो मैं क्योंकि पिछले दिनों केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर एक चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे चरण का काम चल रहा है, वो पूरा होने को है, फिर तीसरा चरण का काम चल रहा है। यहाँ का भी बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान बनाया गया है, उस पर काम शुरू हो गया है। आज मैं उसको देखने के लिए आया हूँ, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा ये 32 धाम भी जो है दिव्य और भव्य जो है 32 धाम के रूप में आगे इसका निर्माण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में मानसखंड कॉरिडोर के संबंध में बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा के साथ ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों को प्रदेश के अन्य धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक संपदाओं वाला राज्य है, जिसमें सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रत्येक विभाग कार्य योजना तैयार करें, साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में राज्य में अनेक संभावना है। पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक स्थलों के लिए रोपवे, सड़क एवं अन्य सुविधाओं के विकास के लिए जो स्वीकृतियां हो चुकी हैं, उन कार्यों में तेजी लाई जाए। वहीं राज्य में खेलों के क्षेत्र में भी कई संभावनाएं हैं, इस दिशा में भी विशेष ध्यान दिया जाए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभा कक्ष में समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुल सचिव, वित्त नियंत्रक एवं परीक्षा नियंत्रकों की बैठक हुई। बैठक में विश्वविद्यालयों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं बैठक में डीजी लॉकर के माध्यम से छात्र छात्राओं को डिग्री उपलब्ध करने, परीक्षा आयोजन 40 दिन जबकि परीक्षा परिणाम 30 दिवस की अवधि में जारी करने के आदेश दिए। शैक्षिक कैलेंडर लागू करने, निर्माण कार्यों को तय समा अवधि के अंतर्गत पूरा करने के निर्देश विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को दिए गए। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कुल सचिव की उपस्थिति में शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों एवं प्राचार्यों की समस्या से अवगत हो सकें। वहीं विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक गतिविधियों की प्रगति को लेकर कुल सचिवों को प्रत्येक महाविश्वविद्यालय के कुलपति के साथ अनिवार्य बैठक करने को कहा गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि सदन की कार्यवाही बहुत कम समय के लिए की गई है, जो कि सरकार पर बड़े सवाल खड़े करते हैं, जबकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं जिन्हें इतने कम समय में पूरा करना मुश्किल होगा। प्रीतम सिंह ने बताया कि कांग्रेस लगातार बड़े सवाल खड़े कर रही है, जबकि सरकार का रवैया पूरी तरह उदासीन है और सरकार के पास किसी भी सवाल का जवाब तक नहीं है। कांग्रेस सदन में लगातार जनहित के मुद्दों को उठा रही है, जबकि सरकार उन मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखा रही है। सदन की जो अवधि है वो बहुत कम है और विषय इतने हैं कि उन तमाम विषयों को जो है इस अल्प अवधि में समायोजित नहीं किया जा सकता। हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है
कि हम प्रश्नों के माध्यम से, कार्य स्थगन के माध्यम से तमाम विषयों को सदन के अंदर उठाने का काम करें, लेकिन सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही उदासीन रवैया है। सरकार के पास किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। चमोली में उप जिला अधिकारी कमलेश मेहता ने तहसील में आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की। बैठक में मानसून की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उप जिला अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विभाग आपदा से निपटने कार्य योजना तैयार करें, वहीं लोक निर्माण विभाग से जीसीबी व अन्य स्थिति की जानकारी ली गई। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी से आपदा संभावित वाले क्षेत्रों में पहले से ही अतिरिक्त राशन, पेट्रोल, गैस, खाद्य सामग्री आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो। इस दौरान गुनियाल में मॉक ड्रिल कर आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। जैसा आप लोगों को पता ही है, हमारे राज्य में इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम लागू है, जिसमें डिजास्टर के प्रति जो रिस्पॉन्स है उस सिस्टम के अंतर्गत दिया जाता है। हर तहसील में, जिले में इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम गठित की जाती है। तहसील कोपी में भी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम गठित की गई है। आज हम एक मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसमें हम पहले सभी को इंस्ट्रक्शन देने के बाद एक टेबल टॉप एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से हर जिले में 75 तालाबों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके चलते चंपावत में सांसद अजय टाटा ने तालाब का उद्घाटन किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन तालाबों के बनने से जल स्रोत पुनर्जीवित होंगे और लोगों को जरूरत के अनुसार पानी मिलेगा। हर जिले के अंदर 75वें वर्ष के अंतर्गत अमृत सरोवर के रूप में 75 अमृत सरोवर बनने हैं। आज नादान में ये अमृत सरोवर की शुरुआत हुई है और मैं यहाँ के प्रधान जी को और इस गांव के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका गांव चयनित हुआ और उनके पास ये संभावनाएँ भी थी। और मुझे लगता है कि इसके जल के रिचार्ज के कारण से बहुत सारे नीचे के गाँव को बहुत फ़ायदा होगा। सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ योजना को लेकर आर्मी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सेना प्रमुख जनरल पांडे ने कहा कि सेना को उम्र में एक मुश्त छूट देने का सरकार का फैसला मिल गया है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की जाएगी। जनरल पांडे ने बताया कि 2022 में अग्निपथ योजना के तहत आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का निर्णय लिया, जिससे युवाओं को कई अवसर प्रदान करेगा। वहीं एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने कहा कि अगले शुक्रवार यानी 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कुमाऊं के अंतिम रेलवे स्टेशन काठ गोदाम में पर्यटकों की प्रीपेड टैक्सी की सुविधा दी गई है। इस सुविधा को पर्यटक भी पसंद कर रहे हैं। यहां पर्यटक प्रीपेड टैक्सी बूथ से पर्ची कटवाकर अपनी पसंद अनुसार वाहन का चुनाव कर सकते हैं। बता दें कि यात्रा सीजन में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसीलिए प्रीपेड टैक्सी बूथ का शुभारम्भ किया गया है। इससे यात्रियों के लिए टैक्सी के रेट, पर्यटक स्थल की जानकारी दी जाती है। इस बार ये योजना तो बहुत अच्छी कारगर सिद्ध हुई है। दो साल से कोरोना के उससे बिल्कुल कारोबार ठप था, इस बार पर्यटक भी अच्छे आए हैं और कारोबार हमारा बहुत अच्छा रहा। इस बार किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई हमारे। और हमारे जो बूथ खुला है, यहाँ से रेट से गाड़ी गई, किसने ओवर रेट नहीं लिया। नहीं, फैसिलिटी अच्छी है, बट ये है कि थोड़ा सा ये कंजेस्टेड एरिया, अगर इसको कहीं आप थोड़ा बाहर कर लें जहाँ से कस्टमर और एक काउंटर यहाँ छोटा सा बना दें अंदर ही प्लेटफॉर्म के अंदर, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए कि वहाँ से ही बंदा कस्टमर सिर्फ पर्ची ले और सीधा ड्राइवर अपना सीधा यहाँ पर आके आपको पिक करे। दैट इज़ अ सजेशन विच आई कैन से, रदर देन कि यहाँ पे धक्के खाएं, ड्राइवर के साथ आए, ड्राइवर पर्ची कटाए। ये जो ड्राइवर के पर्ची का है ना, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा एक इनिशिएटिव है। बट इस बार का सीजन बहुत ही अच्छा रहा। हमारे जो आनंद जी भरेरा जी थे, जो DIG, उन्होंने इस बूथ का उद्घाटन किया। इस बूथ का उद्घाटन करने का मकसद उनका एक ही था कि हर कस्टमर को प्रॉपर सुविधाएं मिले, उनका सामान चोरी ना हो, किसी तरीके की लूटपाट ना हो, उनसे ओवर रेट ना लिया जाए। इस बार ये उद्घाटन होने से पर्यटक को भी बहुत परेशानियां नहीं हुई,
और हम लोगों का भी बहुत ही अच्छा काम चला। लक्सर एसडीएम व तहसीलदार ने चौकियों का निरीक्षण किया, साथ ही सिंचाई विभाग और राजस्व कर्मियों को कड़े निर्देश भी दिए। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल व तहसीलदार शालिनी मौर्य ने निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग को बरसात शुरू होने से पूर्व तटबंध को तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए। वहीं बाढ़ राहत चौकियों पर कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है, इस दौरान सभी अधिकारी मौजूद रहे। रानीखेत का विश्व प्रसिद्ध गोल्फ ग्राउंड अब सैलानियों व आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। गोल्फ ग्राउंड सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक खोला जाएगा। वहीं मंगलवार को पूरे दिन सैलानियों व आम नागरिकों का आना जाना रहेगा। वहीं प्रशासन की तरफ से एक सिपाही भी तैनात रहेगा। बता दें कि कोरोना के चलते गोल्फ मैदान को बंद कर दिया गया था। ग्राउंड के खुलने से जहाँ पर्यटकों में खुशी है, तो वहीं स्थानीय व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने की उम्मीद भी है। पिछले कुछ महीनों से, 1.5 साल से इनफैक्ट, ये ग्राउंड पब्लिक के लिए बंद था और रानीखेत का एक स्मारक है। जो भी टूरिस्ट रानीखेत आता है उसको गोल्फ ग्राउंड वो आता ही आता है, या यहाँ के लोकल के लोग हों, हल्द्वानी के लोग हों, अल्मोड़ा के लोग हों, स्पेशली ये देखने आते हैं। और जब समर्स की छुट्टियाँ होती हैं तो फिर बात ही क्या है, सारा मतलब पूरा आपका दिल्ली, हल्द्वानी, मुरादाबाद, रामपुर सारा उमड़ पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने कोशिश करके खुलवाया है। आप देखिए कितनी मुस्कान है बच्चों के चेहरे पे, क्योंकि रानीखेत में बच्चे जब इस अंदर आते हैं खूब उलटते पलटते हैं, दौड़ते हैं, फ्रीली घूमते हैं और इन लोगों को ऐसा माहौल नहीं मिलता अपने शहरों में। ये सर बहुत खुशी की बात है कि 18 महीने बाद कम से कम गोल्फ खोल रहा है, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि व्यापार में भी इसका बहुत फर्क पड़ेगा। और थोड़ा सा जो कमांडेंट साहब को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो मतलब रानीखेत का ताज माना जाता है गोल्फ ग्राउंड रानीखेत का, और इसमें उन्होंने खोला है, सैलानियों पे खुशी की लहर है। और थोड़ा सा एक मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो टाइमिंग इन्होंने 11 से 1 बजे की रखी गई है उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि स्कूल में थोड़ा बच्चे जो है छुट्टी होती है 3 बजे करीब छुट्टी होती है, अगर इसको टाइमिंग थोड़ी अगर ये 3 बजे से 7 बजे की कर दी जाएगी तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे जल्द हाजिर। गंगोत्री और यमुनोत्री के तट पर बसा उत्तराखंड वैदिक संस्कृति की विरासत को समेटे है। महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के प्रदेश उत्तराखंड में है, इसलिए इस प्रदेश को देव भूमि भी कहा जाता है। हस्तशिल्प, हथकरघा और पर्यटन उत्तराखंड के प्रमुख व्यापार हैं, जिन्हें सरकार भी बढ़ावा दे रही है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी उत्तराखंड में है, तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी यही है। राजनीति परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की सबसे अलग भूमिका है। सरकार किसानों को बढ़ावा देने और हित में कई काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड अपनी सबसे अलग पहचान रखने वाला प्रदेश है, जिसकी हर खबर आप देखते हैं सच के साथ, सच की बात के साथ। आपका फिर से स्वागत है, रुक करेंगे अगली खबर का। टिहरी झील देश दुनिया के पर्यटकों के लिए नया डेस्टिनेशन बनेगा, इसको लेकर पर्यटन विकास परियोजना को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से टिहरी झील और जल संग्रहण क्षेत्र पर्यटकों के लिए नया डेस्टिनेशन बनेगा। परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक से करीब 1800 करोड़ की सहायता मिलेगी। वहीं परियोजना के तहत नई टिहरी में कोटी कॉलोनी, तिवाड़ गांव, डोबरा चांटी, टिहरी झील, मदन नेगी को क्लस्टरों के रूप में विकसित किया जाएगा। टिहरी झील में 4 स्थानों पर जल क्रीड़ा केंद्र, टेंट कॉलोनी निर्माण, मल्टी लेवल कार पार्किंग, 3-स्टार बुटीक होटल, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, योग एवं पंचकर्म केंद्र, लाइट एवं साउंड, लेजर शो समेत अन्य कार्य प्रस्तावित हैं। वहीं एडीबी की टीम जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करेगी।
वहीं पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य टिहरी को उत्तराखंड के ब्रांड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का प्रयास है, जिससे स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विकसित किया जाएगा। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी पर लाठीचार्ज किया, जिसको लेकर पौड़ी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी ने जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वेष की भावना से काम करती रही तो कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र की होगी। इसी क्रम में ठीक है, आप लोगों ने कोई सवाल जवाब किए जाते हैं, राजनीति में होता है सारी चीज़ें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि कोई सच्चाई से कोई आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। तो यही काम केंद्र की जो कुनीतियाँ हैं उनके द्वारा देखा जा रहा है। केंद्र सरकार पता नहीं अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर इस तरह के लगातार ऐसे कदम उठाए जा रही है, जिनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम ही नहीं, सारे देश में सारे कांग्रेस जन इस चीज़ के खिलाफ है, क्योंकि ईडी के द्वारा पूछताछ में आपने पूछताछ की वो अच्छी बात है, लेकिन आपने जो कांग्रेस कार्यालय में घुसकर दिल्ली पुलिस ने जो अपना रवैया दिखाया, केंद्र सरकार के इशारे पे जो उन्होंने रवैया दिखाया, हमारे कांग्रेस जनों को लाठीचार्ज किया और कार्यालय में घुसकर बड़ी बर्बरता के साथ उनकी पिटाई करी, तो उसके विरोध में हम लोगों का आज ये प्रदर्शन है। और ये हमारा ही नहीं, आज सारे देश में प्रदर्शन हो रहा है। अल्बोड़ा नगर पालिका परिषद में सीमा विस्तार का मामला तूल पकड़ने लगा है। नगर पालिका ने आसपास की 25 ग्राम पंचायतों को पालिका में मिलाने की कवायद से पंचायतों के ग्रामीण एक हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि वह किसी भी हालत में नगर पालिका में शामिल नहीं होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि शहर के आसपास के गाँव नगर पालिका से मिलेंगे तो उनके हक में भारी असर पड़ेगा। बता दें कि नगर पालिका ने 25 ग्राम सभा को मिलाकर करीब 36 किलोमीटर का प्रस्ताव पारित किया है। शासन द्वारा समस्त नगर निकायों को पत्र प्रेषित किया गया था कि आप लोग अपने सीमा विस्तार का प्रस्ताव शासन के तहत शीघ्र उपलब्ध कराएं, जिसके क्रम में बोर्ड का अधिवेशन आहूत किया गया। बोर्ड के अधिवेशन में सीमा विस्तार संबंधी 25 ग्राम सभाओं को सम्मिलित करते हुए लगभग 33 वर्ग किलोमीटर का प्रस्ताव पास किया गया है। यथाशीघ्र जिलाधिकारी के माध्यम से उसे शासन को प्रेषित किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा अपने बोर्ड में जो 25 गांवों को जो प्रस्ताव दे रखा है इन्होंने नगर पालिका में मिलाने का, हम 25 ग्राम सभाएं इसका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि नगर पालिका हमने पहले जो मिलाना चाहते थे उसमें भी हमने विरोध करा और अभी भी हम विरोध में लगे हैं। 25 से 25 जनप्रतिनिधि कल हमने अपनी आवाज़ उठाई और डीएम साहब से बहुत जल्दी शीघ्र ही मिलने वाले हैं, ज्ञापन देंगे डीएम साहब को। ज्ञापन देंगे क्या मांग है आखिर, क्यों नहीं होना चाहते सामने? हम इसलिए होना चाह रहे हैं, ये अपनी नगर पालिका को तो संभाल नहीं पा रहे और ग्राम सभा को क्या संभालेंगे। खुद की नगर पालिका की हालत इतनी दैनिक हालत है और ग्राम सभा हमारे सुकून में है और आयुजीका के साधन हमारे खुद के संसाधन है। चंपावत के सीमचूका काली नदी में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं रेस्क्यू कर शव को नदी से बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों ने बताया कि मृतक शादी समारोह में शामिल होने गए था, जिसके बाद से ही ये लापता था। इस दौरान गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। वहीं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वी के जोशी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। फिलहाल शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। तो 11 तारीख को शादी समारोह में थे वो, तो वहाँ से लापता होने की खबर मुझे मिली, तो उसके बाद हमने झुलाघाट थाने में एफ आई आर की और गुमशुदी की रिपोर्ट दायर की। उसके बाद वहाँ ढूंढा बहुत पुलिस वालों ने, SSB की टीम ने उन्हें ढूंढा, बट कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो एक हफ्ते बाद आज यहाँ चूका गाँव से भी डेड बॉडी मिली थी कल सूचना मिली हमें पुलिस के द्वारा, तो हम अभी यहाँ पर आए, अभी पोस्टमार्टम हुआ था, तो वो हमारी डेड बॉडी है। बॉडी रिकवर की है चूका से पुलिस ने, उसका नाम महेश चंद्र दामोदर, उसके पिता का नाम है, उम्र 37 साल का है, जिसका कि हमने अभी पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी बन रही है, उसके बाद ही निष्कर्ष निकल पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या रहा। तो हमने उनके परिवार वालों को सपोर्ट कर दिया।
चमोली के नारायण बगड़ के भेला गांव के समीप तालाब में एक महिला का शव तैरता हुआ मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से जानकारी ली, जिसमें मृतक महिला की पहचान अनिता देवी के रूप में हुई। बता दें, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार उक्त महिला मार्च महीने से लापता चल रही थी और 16 मार्च को महिला के मायके व ससुराल पक्ष के परिजनों ने गुमशुदी की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। वहीं अब जाकर गांव के ही पास बने तालाब में महिला का शव मिला। यह मामला राजस्व क्षेत्र नारायणगढ़ का है। 16/3/2022 को एक महिला अनिता देवी की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उसके बाद विवेचना राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस के पास में आई, तो दौरान विवेचना के उस महिला के काफ़ी तलाश सुरक्षा से पता रसी की गई, लेकिन तब तक कुछ महिला का शव नहीं मिला था। कल कुछ ग्रामीणों ने उस महिला का शव किसी तालाब में देखा, तो उसकी सूचना फिर उन लोगों ने परिजनों को दी और परिजनों ने फिर पुलिस को दी। पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम में जो भी रिजल्ट आएगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे जल्द हाजिर। गंगोत्री और यमुनोत्री के तट पर बसा उत्तराखंड वैदिक संस्कृति की विरासत को समेटे है। महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के प्रदेश उत्तराखंड में है, इसलिए इस प्रदेश को देव भूमि भी कहा जाता है। हस्तशिल्प, हथकरघा और पर्यटन उत्तराखंड के प्रमुख व्यापार हैं, जिन्हें सरकार भी बढ़ावा दे रही है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी उत्तराखंड में है, तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी यही है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की सबसे अलग भूमिका है। सरकार किसानों को बढ़ावा देने और हित में कई काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड अपनी सबसे अलग पहचान रखने वाला प्रदेश है, जिसकी हर खबर आप देखते हैं सच के साथ, सच की बात के साथ। बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। अब खबर चमोली से है, जहां शराब की बोतल पर ओवरचार्जिंग को लेकर विरोध किया जा रहा है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि पोखरी शराब दुकानों में प्रति बोतल पर प्रिंट रेट से 50 से 90 रुपए ज्यादा लिया जा रहा है। उनका कहना है कि ओवर रेट का विरोध करते हैं तो उन्हें मारने की धमकी दी जाती है। तो क्या आप बोतल में लिखा है 550, हमसे लिया जा रहा है 600 रुपये, वही बात है। एक्स्ट्रा लिया जा रहा है पैसा। यहाँ पर ओवरमेंट का मामला कुछ दूर है और जो है ये मन मर्जी के रास्ते को पैसा लेते हैं, और उसमें जो हमें जो 150 की बोतल 200 में मिलते हैं, जो 200 की बोतल वो 250 में मिलते हैं, जो 250 के वो 300 में मिलते हैं, 50 एक्स्ट्रा खाए जा रहे हैं। और बोलते हैं कि जाओ जहाँ जाना है वहाँ से ले आओ, नहीं तुम्हें चाहिए तो और जगह से ले आओ। और यहाँ पर एक मात्र एक जगह है पोखरी में। अगर ऐसा कोई मामला है तो उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। इसमें इनफैक्ट ये शिकायत कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी, तो आपकारी निरीक्षक को हमने कहा है कि इंस्पेक्शन करके इसमें त्वरित कार्रवाई करें। सेना भर्ती में आए अग्निपथ योजना को लेकर हल्द्वानी में बवाल हो गया है, जहां सैकड़ों युवाओं ने एकजुट होकर नैनीताल हाईवे जाम कर दिया। युवकों ने जब हाईवे से हटने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए लाठीचार्ज किया। वहीं मौके से दर्जनों युवाओं को हिरासत में भी ले लिया गया। युवाओं ने आज सुबह कुमाऊं भर के 500 से अधिक युवा रामलीला मैदान में एकत्र हुए। इसके बाद जुलूस की शक्ल में युवा तिकोनी चौराहे पर पहुंच गए। वहीं युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी पर पुलिस ने समझाया, वहीं विरोध करते छात्रों में भगदड़ मच गई। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। नैनीताल में तड़के 4 से 5 बजे गरज चमक के साथ बारिश हुई, वहीं कुछ देर के लिए बारिश थमी और फिर शुरू हो गई।
वहीं रुद्रपुर में भी हवा के साथ बारिश जारी है। वहीं हल्द्वानी से लेकर पिथौरागढ़ में भी बादल छाए हुए हैं। बात करें मौसम की तो मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कुमाऊं मंडल के अनेक स्थानों पर शुक्रवार को हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित 67वें खेलोत्सव के समापन समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। ये आयोजन जौहार क्लब मुनस्यारी द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्लब को स्कीइंग गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए स्कीइंग उपकरण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की। सीएम धामी ने कहा कि जौहार क्लब मुनस्यारी खेल मैदान में दर्शक दीर्घा का निर्माण किया जाएगा और बहुउद्देशीय हॉल निर्माण कराए जाने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं सरकार ने प्रदेश में नई खेल नीति के तहत ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति का प्रावधान किया है। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल संबंधी जरूरतों के लिए छात्रवृत्ति, खेल किट व अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में वर्ष 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाते हुए पहाड़ी जनपदों में मृदा व जलवायु के अनुरूप पौष्टिक अनाज के उत्पादन एवं उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराते हुए उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था की गई है। वहीं समापन समारोह में विधायक हरीश धामी, मनोज तिवारी, विशेष प्रमुख सचिव खेल अभिनव कुमार, संयुक्त सचिव संजय सिंह टोलिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे। चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को पहली बार 1,00,000 का बीमा कवर दिया गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री परिसर में यदि तीर्थ यात्री की किसी भी दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु होती है तो मानव उत्थान सेवा समिति के सहयोग से मंदिर समिति बीमा की सुविधा देगी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्री के प्रयासों से तीर्थ यात्रियों को बीमा कवर की सुविधा मिली है। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से बीमा का प्रीमियम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया है। केदारनाथ में मंदिर परिसर के पास अब जूते चप्पल पहनने पर जल्द ही रोक लग सकती है। इस संबंध में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। बता दें कि अभी श्रद्धालु नंदी की मूर्ति तक जूते चप्पल पहनकर पहुंच जाते हैं। वहीं मास्टर प्लान के तहत केदारनाथ मंदिर परिसर को विशाल व भव्य बनाया गया है, लेकिन कई बार श्रद्धालु दर्शन के दौरान जूते चप्पल पहनकर मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर नंदी की मूर्ति स्थापित है, साथ ही प्रवेश के लिए एक निश्चित दूरी निर्धारित करने की बात कही गई है। इसके अलावा मंदिर की परिक्रमा के लिए उचित दूरी का सीमांकन करने का आग्रह भी किया गया है। बरसात को लेकर उधम सिंह नगर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से आंधी और बिजली में सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 15 से लेकर 18 तारीख तक भारी बारिश का अनुमान जताया है, तो वहीं उधम सिंह नगर जिले में भी 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक भारी बारिश और आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी भी किया। इसके चलते सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं जिला आपदा अधिकारी उमाशंकर नेगी ने बताया कि 16 से लेकर 18 जून तक जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि बरसात के साथ तेज आंधी भी आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि जिले में 29 बाढ़ चौकी और 8 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। IMD देहरादून द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें संभावना जताई गई है कि जनपद में 16 से 18 तक आकाशीय बिजली, झाड़ झक्कड़ या झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, बरसात की भी संभावना है। तो इसमें यथासंभव घर से बाहर ना निकला जाए, और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे स्थानों पर खड़ा हुआ जाए जहाँ पर सेफ रह सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MK News। नमस्कार।